दिल्ली की चाणक्य पूरी इलाके में फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। पानी के टैंकर के पीछे भागते नजर आए लोग, कुछ लोग चढ़ भी गए, अपने अपनी पानी की पाइप लगाने की होड़ मची। पानी का टैंकर आते ही पानी भरने के लिए दिखी मारामारी, पानी भरने के लिए बर्तनों के साथ दिखे लोग। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी नहीं सुधरे हालात, टैंकर पहुंचते ही आपस में भिड़े लोग, पानी भरने के लिए टैंकर के नीचे घुसकर बैठे बच्चे। गीता कॉलोनी में आए पानी के तीन टैंकर, 10,000 की आबादी वाले इलाके में पानी के लिए हो रही है मारामारी। टैंकर ड्राइवर ने कहा, पानी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से लग रहे हैं ज्यादा चक्कर। छीन छन होता है, पानी मिलता कहाँ है? एक गाड़ी आती, इतनी बस्ती में इतनी पब्लिक है, कहाँ से पानी पूरा करेगा? नहीं कॉलोनी में पानी है तो खरीद खरीद के बंदे पी रहे। दिल्ली में जारी है जल संकट, मैदान गढ़ी इलाके से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। टैंकर आते ही यहाँ पे लोग आपस में भिड़ गए, एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घर के बाहर प्रदर्शन करने के आरोप में मामला किया दर्ज। गुजरात के गोधरा से जुड़े NEET UG परीक्षा के तार, एक टीचर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 30 परीक्षार्थियों के माता पिता से भी पूछताछ की। अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे फैक्ट्स आते जाएंगे उस मुताबिक कार्यवाही हमारी तरफ से होती जाएगी। नीट पेपर धांधली मामले में बिहार में जले हुए पेपर मिलने का दावा, आंसर सीट के मिले जाने पर हुए पेपर। बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई लोगों को किया गिरफ्तार। नीट परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने की जिम्मेदारी ले चुकी है। G7 में हिस्सा लेने के बाद इटली से वापस भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। विश्व मंच पर पीएम मोदी ने कई नेताओं से की मुलाकात। समिट के दौरान पीएम मोदी और बाइडेन की भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ मिले, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ ही पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को गले लगाया, पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्यौता दिया। G7 समिट में आए सभी विश्व भर के नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो, तस्वीरों में सेंटर में नजर आए पीएम मोदी। G7 मंच पर भारत का डंका बजा, पीएम मोदी ने आउटरीच सेशन को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत, ग्लोबल साउथ जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। G7 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प, 2047 तक भारत को विकसित बनाने की कही बात। जलवायु संरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने सुझाव भी दिया है, एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने AI का किया जिक्र, कहा AI को पारदर्शी बनाने पर काम जारी रखेंगे। पीएम ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर भी बात की, बोले हमें टेक्नोलॉजी को रचनात्मक बनाना होगा। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा दिन रहा बहुत उपयोगी, विश्व नेताओं से कई विषयों पर की चर्चा, हमारा लक्ष्य बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए प्रभावशाली समाधान निकालना हमारा लक्ष्य। इटली के अपुलिया में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम भारत के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिडिंग्स हवाई अड्डे में भारत के लिए भरी उड़ान, थोड़ी देर में भारत पहुंचेंगे पीएम। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने G7 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, चीन से सुरक्षा खतरे और यूक्रेन के लिए सहायता की कही बात। जर्मन चांसलर स्कोल से हुई पीएम की मुलाकात, पीएम ने पोस्ट का लिखा सार्थक रही बातचीत, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में निभा सकती है बड़ी भूमिका। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर की चर्चा, अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। राहुल गांधी ने डोसा खाने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया, संविधान खत्म हो गया तो केरल के लोग नाश्ते में डोसा नहीं खा पाएंगे। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद को लगा झटका, विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित करार, स्पीकर ने की कार्रवाई। विधायक की जाने पर दिल्ली सरकार पर भड़के पूर्व मंत्री राजकुमार
आनंद, आपको बताया दलित विरोधी, कहा विधानसभा अध्यक्ष को लिबरेंस देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने एक्स पार्टी पर दिया, ये दुखद है, ये दलित विरोधी पार्टी है। एक्स पार्टी इन्होंने कर दिया, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाया, तो इनको एक्स पार्टी नहीं करना चाहिए। ये दलितों पर, ये दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी मानसिकता है।